29 जून 2022 को कैथलिक कैथेड्रल फैसलाबाद में मुकद्दस पीटर और मुकद्दस पॉल की ईद भरपूर ईमानी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर विकर जनरल फैसलाबाद डायसिस रेवरेंड फादर आबिद तनवीर के जेर एहतमाम और बिशप ऑफ फैसलाबाद डायसिस तकद्दस माक बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की जेर क्यादत पाक मास की अकदस कुर्बानी गुजरानी गई और मुल्क की तरक्की खुशहाली और अमन सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गयी। इस मौके पर डायसिस के तमाम फादर साहबान सिस्टर साहबान ब्रदर साहबान मनाज साहबान और सैकड़ों मोमिनीन ने भरपूर शिरकत की। पाक मास के बाद फैसलाबाद डायसिस की तरफ से तकद्दस माक बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत को केक काट कर उनकी सालगिरह और बिशप ऑफ फैसलाबाद डायसिस बनने की तीसरी सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई और अकीदत का इजहार किया गया। सूबाई वजीर अकलीती अमूर ज्ञान चंद इसरानी का रानीपुर से अगवा होने वाले आदेश कुमार के वाकया का नोटिस। सूबाई वजीर का आईजी सिंध से गुलाम नबी मेमन से राबता, आदेश कुमार की जल्द बाजियाबी की हिदायत। ज्ञान चंद इसरानी ने कहा है कि सिंध हुकूमत अकलीती बरादरी के साथ है, वो खुद को अकेला ना समझे, अकलीती बरादरी को हर मुमकिन तहफ़ फ्राहम किया जाएगा। सूबाई आदेश कुमार को जल्द बाजियाब कराया जाएगा और अगवाकारों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ज्ञान चंद इसरानी के आदेश के खानदान को यकीन दहानी बात जा रहे कि गुज़श्ता रोज रानीपुर से 8 साल आदेश कुमार को ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर लिया गया था। फिरोजवाला के इलाके नबीपुर वर्का में डाकुओं ने एक घर में घुसकर लूटमार की और मुबैना तौर पर मसीही खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस में मुतासरा खानदान की जानिब से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 4 डाकुओं ने घर में घुसकर असले के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बना लिया और खातून से 2000 रुपए छीन लिए। डकैती के बाद डाकू मसीही खातून को साथ ले गए और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। DPO शेखपुरा का कहना है कि इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खातून से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले, तहम फोरेंसिक लेबोरेटरी को सैंपल भिजवा दिए गए हैं। IG पंजाब ने खातून से मुबैना ज्यादती के वाकया का नोटिस लेते हुए RTO शेखपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। कसूर के गिरदो नवा में 2 मुख्तलिफ वाकयात में 1 लड़की समेत 2 अफराद अगवा, मकामी पुलिस ने अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। बूटा मसी ने पुलिस थाना में दरख्वास्त दी है कि मैं जफर के का रिहायशी हूँ और मुलजमान गुलशन वगैरह 2 ने मेरी बेटी को बुरगला फुसला कर अगवा कर लिया। पुलिस थाना कोर्ट राधा किशन मसरूफ कार्रवाई है। बस्ती अली मोहम्मद जम्बर के रिहायशी नवीद अहमद ने पुलिस थाना में दरख्वास्त दी है, मेरा 25 साल भाई लोडर रिक्शा पर सोलर प्लेटें और बैटरियां लेकर चूनिया जा रहा था कि नहर छांगा मांगा के करीब नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, उसे तलाश किया जाए। पुलिस थाना छांगा मांगा मसरूफ कार्रवाई है। फैसलाबाद में सीवरेज मिसाइल हल न होने की बड़ी वजह सामने आ गई। वासा के पास सीवरमैन की शदीद कमी, 1900 किलोमीटर की सीवर लाइन की सफाई के लिए सिर्फ 461 सीवरमैन मौजूद हैं। वासा के पास अफरादी कुवत की शदीद कमी है, जिसकी वजह से शहर में सीवरेज मिसाइल का खात्मा नहीं हो सका। वासा के पास 1900 किलोमीटर सीवरेज लाइन की सफाई के लिए सिर्फ 461 सीवरमैन मौजूद हैं, जबकि क्वायदो जवाबत के मुताबिक 1 किलोमीटर सीवरेज लाइन की सफाई के लिए 1 सीवरमैन होना चाहिए। सीवरमैन की कमी के बायस शहर में निकासी आपके मसाइल मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हवेली महाराजा रंजीत सिंह और उसके अतराफ सफाई के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया। पंजाब के पहले पंजाबी हुक्मरान राजा रंजीत सिंह गुजरांवाला अंदरून शहर 13 नवंबर 1780 को पैदा हुए और उनकी जाय पैदाइश हवेली राजा रंजीत सिंह के नाम से मंसूब है, जहाँ उनकी बरसी के मौका पर दुनिया भर खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सिख यात्रियों की आमद मुतवक्का है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अहद डोगर और चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर की हदायत पर हवेली राजा रंजीत सिंह के इतराफ और अंदर सफाई का खसूसी इहतमाम किया गया है।
मुतरका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन हबीबुल रहमान गिलानी ने कहा है कि आईने पाकिस्तान अकलियतों के हकूक का जामिन है। मुल्की तरक्की में पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुसलमों की खिदमात नाकाबिले फरामोश है। हमारी ख्वाहिश है कि भारत समेत दुनिया भर से ज्यादा यात्री पाकिस्तान आए। हम मेहमान नवाजी के लिए हमावक तैयार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की 183वीं बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। एडिशनल सेक्रेटरी शराइन राना शाहिद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम भारत समेत दुनिया भर से आने वाले सिख और हिंदू मजहब के पैरोकार का इस्तकबाल करते हैं और करते रहेंगे। भारत से आए सिख यात्रियों के ग्रुप लीडर सरदार गुरमीत सिंह ने कहा है कि यहां आकर जो एहतराम और प्यार मिला इस पर मशकूर हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारे और मंदिर महफूज हाथों में और बेहतरीन हालत में है। प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान नानक नाम लेवाओं का दूसरा घर है। जब भी आएंगे मोहब्बत और मान मिलेगा। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 418 की तरफ से भारत आए मेहमानों समेत अहम रहनुमाओं को तोहफे और सरोपा साहिब दिए गए। भारतीय सिख यात्री 21 जून को वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आए थे, जो अपनी यात्रा मुकम्मल करने के बाद 38 जून को वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापस लौट जाएंगे। अकलीती बरादरी के मसाइल से आगाही हासिल करने के लिए TMA हॉल चारसदा में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रहमान की सरबराही में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें AC अलवीना फैज और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अकलीती बरादरी ने अपने मसाइल बयान करते हुए कहा कि चारसदा में सरकारी महकमों में मुलाजमत के लिए मुख्तस कोटा पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जबकि उनके लिए मखसूस कब्रस्तान न होने की वजह से फौतगी होने की सूरत में इन्हें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला इंतजामिया की जानिब से अकलीती बरादरी के मसाइल को हर सूरत हल किया जाएगा। तमाम सरकारी महकमों में अकलीतों के लिए मुख्तस कोटा पर न सिर्फ अमल दरामद किया जाएगा, बल्कि पहले से मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन की प्रमोशन भी दी जाएगी।